नमस्ते एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस एंडी टैरो पर। तो आज हम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, 100% रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस के लिए, और फिर हम देखेंगे कि एक्वेरियस की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं, और अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस के पर्सन फील कर रहे हैं कि सबसे पहले इस गुस्से पर काबू करने की ज़रूरत है। जो इसमें गुस्सा है, जो टेम्पर है, उस पर कंट्रोल करें और अपने अपने रिश्ते में एक बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं। जो ये रिश्ता अप्स डाउन जा रहा है, और जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को साथ साथ हैंडल ना करें, उसको वन बाय वन करके, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग यूज़ करें। और जो उनका लड़ने का स्वभाव है, कभी तो वो बिल्कुल बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कभी बिल्कुल मौन हो जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक बैलेंस आना चाहिए। और अगर वो अपने गुस्से पर, टेम्पर पर कंट्रोल कर लेते हैं, यूनिवर्स उनके साथ हैं, ब्लेसिंग्स उनको मिल रही है, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो चीज़ें ठीक नहीं लग रही, जो सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, उनको वो अपनी लाइफ से निकाल दें, और दिल से ना सोचकर दिमाग से एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें। और वो जब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, जब उनका मन कहता है, जब उनका जब वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, दिमाग जब उनका दिमाग कहता है, तभी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। और अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो इस रिश्ते में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आ सकती है, काफ़ी नेम और फेम इसमें बढ़ सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करने की ज़रूरत है, एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो वो चाहते हैं कि गुस्से पर कंट्रोल करके, जो चीज़ें सही नहीं है, सिचुएशन सही नहीं है, उनको ख़त्म करके इस रिश्ते में बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, एक ठहराव आ सके, एक ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों भरा हो सके। तो अब देखते हैं कि जो एक्वेरियस हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अगर उनका किसी चीज़ को लेकर मन दुखा है, वो उनका दिल टूटा है, तो वो सबसे पहले अपने इस चीज़ से रिलैक्स करें, आप वो अपने मन को समझाएं। जब वो शांत हो जाते हैं, जब उनको उनका दिल दुखना बंद हो जाता है, तो तभी वो क्लियरिटी के साथ और इसमें आगे बढ़ें। और अगर वो इसमें आगे बढ़ते हैं तो वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी जन्म जन्मांतर का है, आत्मिक रिश्ता है, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये एक दूसरे के लिए बने हैं ये। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, एक ठहराव लाएं। जो मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी है उसमें, उसको बैलेंस लाएं। अगर वो ज़्यादा एक मेल एनर्जी की तरह ज़्यादा हार्ड हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, और अगर बहुत फीमेल एनर्जी की तरह ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो थोड़ा सा हार्ड बने। वो इसमें एक बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं, और इस रिश्ते में क्योंकि काफ़ी अट्रैक्शन है, आकर्षण है, और ये काफ़ी ये रिश्ता उनको खूबसूरत लगता है। इनका हर काम करने का तरीका उनको अच्छा लगता है, वो इस रिश्ते से मुग्ध हैं,
वो इसकी खूबसूरती को चाहते हैं, इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि पहले वो अपने मन को तसल्ली दें इस सिचुएशन से जो उन्हें परेशान कर रही है, जो दुखी कर रही है, वो उससे पहले उस में हीलिंग करें, अपना मन दुखाना बंद करें। और जब वो शांत हो जाते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं, जब उनको लगता है कि वो आगे बढ़ने के लायक हो गए हैं, तो तब इस रिश्ते के बारे में सोचें। जब इसकी इस रिश्ते में जो ये स्टेबिलिटी है, ठहराव है, जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जो आकर्षण है, जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसकी एडिक्शंस को देखें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि उनको इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन दिख रहा है, काफ़ी आकर्षण दिख रहा है, काफ़ी ये रिश्ता उनको खूबसूरत दिख रहा है, एक उनका काम करने का तरीका अच्छा लग रहा है, वो इस रिश्ते से काफ़ी मुक्त हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कि अगले 72 आवर्स में जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, वो एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेंगे। अगले 72 आवर्स में एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। द चैरियट, द डेविल एंड द टावर, इसमें लग रहा है कि जो जो एडिक्शंस हैं, जो खामियां हैं, जो परेशानियां, जो इसमें कंट्रोल किया हुआ है, जो इस रिश्ते को बींधा बींधा सा रखा हुआ है, जो हो सकता है कि इसमें किसी गलत इंसान की संगत है, वो एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी है, तो वो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस एडिक्शंस को ख़त्म करें, चाहे वो अल्कोहल पीने की है, चाहे जुआ खेलने की है, चाहे किसी और कोई और गलत खाने पीने की लत है, कुछ भी जो ऐसी गलत लत है उसको वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, चाहे उसके लिए थोड़ा सा उन्हें टाइम लगे, समय लगे, अभी के लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़े बढ़ना चाहते हैं तो वो गिव अप ना करें, इस रिश्ते में स्टैंड लें और एक हिम्मत रखें, करेज रखें, हिम्मत के साथ, करेज के साथ डिटरमिन्ड बने और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। तो वो इस रिश्ते, इस एडिक्शंस को, इन खामियों को, इन परेशानियों के को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, वो इसका चाह रहे हैं कि जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जब ये एडिक्शंस, जो परेशानी, दिक्कतें, जो नेगेटिविटी है, ख़त्म होने के बाद वो इसमें एक्शन लें, एक बिगनिंग करें, एक शुरुआत करें और एक हिम्मत करें। अगर वो इसमें हिम्मत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये रिश्ता आगे कामयाब हो सकता है, ये आगे बढ़ सकता है। इस ये एक हार पर जीत का कार्ड है कि अगर इसमें लगे रहे, गिव अप नहीं किया, तो इन परेशानियों को, इन इन सब चीज़ों को पार करते हुए वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रह सकती है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो चाहते हैं कि यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल एकदम ये रिश्ता क्लियर कट होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ इस रिश्ते में को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इस रिश्ते में थोड़ा सा भी कोई राज है, कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है, कोई चोरी चकारी है, तो इस रिश्ते में आगे जाकर परेशानी आ सकती है, दिक्कत आ सकती है, और इस रिश्ते में एक वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो अपनी डीप वाली हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और एक अगर वो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, काफ़ी परेशानियां आ चुकी हैं, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले अपने आप को स्पेस दें, थोड़ा सा समय दें, टाइम दें, वक्त दें, और डीप वाली मेडिटेशन हीलिंग करें, और उसके बाद ही अगर उनको सही लगे तो इस रिश्ते के बारे में सोचें, और वो
यूनिवर्सी गाइड कर रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, अपना फेम, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपना लुक्स, अपने उस पर, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, फ्रीडम में जिए, आज़ादी में जिए, और जब अगर उनको सही लगता है तो वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेवारियों को समझने की ज़रूरत है, तभी वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें जब वो अपने आप स्टेबल हो जाते हैं। जब अपनी जिम्मेदारियों को समझने लायक हो जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और इस रिश्ते में जो अगर कोई झूठ नहीं होता, कोई फ्रेब नहीं होता, कोई राजमिस्त्री नहीं होती, तो तभी इस रिश्ते के बारे में, आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो अगर बिना सोचे समझे कोई राजमिस्त्री के साथ इसको आगे बढ़ाया जाता है तो इसमें परेशानियां, दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वैसे भी ये चैनल नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की, आपके आशीर्वाद की काफ़ी ज़रूरत है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।